दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. IPL 2020 का 3400 मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाने वाला है, यानी कि सुपर सैटरडे के दूसरे मुकाबले में एक तरफ धोनी करेंगे धमाका और वॉटसन लगाएंगे वॉट, वहीं दूसरी तरफ धावा बोलेंगे धवन और रबाड़ा बनाएंगे कबाड़ा। जी हाँ, काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। हमारे साथ मिलकर IPL का लुत्फ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अब तक यहां इस आईपीएल के 7 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, वहीं मात्र 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। शुरू के मैचों में यहां पर बैटिंग करना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 मैचों में यहां पर एक भी बार 200 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि बीतते मैचों के साथ साथ यहां बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस मैच में आपको 170 से 180 के आसपास का एवरेज स्कोर दिखाई दे सकता है। छोटा ग्राउंड होने के बावजूद भी यहां पर गेंदबाजों का दबदबा हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में भी ऋषभ पंत की सर्विस को मिस करेगी, उनका रोल एक बार फिर से एलेक्स कैरी निभाते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे का फॉर्म इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली का टॉप ऑर्डर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आईपीएल 2020 के 7वें मैच में जब दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग आपस में टकराई थी तो इनके टॉप ऑर्डर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, खास करके पृथ्वी शॉ ने। पृथ्वी ने एक शानदार शो दिखाते हुए 64 रनों की शानदार पारी खेली थी और हो सकता है कि इस मैच में वो अपना खोया हुआ लय प्राप्त कर लें। पृथ्वी का साथ निभाते हुए गब्बर का बल्ला भी एक बार फिर से गुर्रा सकता है। जी हां, राजस्थान के खिलाफ गब्बर ने अपना पूर्ण फॉर्म प्राप्त कर लिया था, पूर्ण लय प्राप्त कर लिया था और उन्होंने कप्तान सुरेश अय्यर के साथ मिलकर अपनी टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाया था। दिल्ली के कप्तान साहब भी इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और अर्धशतक पे अर्धशतक लगाए जा रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में उनका बल्ला भी तांडव मचा सकता है। अगर इन सब से मामला नहीं संभला पाता है तो स्टाइलिश स्टोनिस के साथ मिलकर एलेक्स कैरी दिल्ली की लड़खड़ाती हुई पारी को कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी नौबत नहीं आएगी। गेंदबाजी में 18 विकेट लेने वाले पर्पल कैप धारी रबाड़ा एक बार फिर से अपनी धारदार और शानदार गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों का कबाड़ा बना सकते हैं। दिल्ली की गेंदबाजी वाले तर्कस में तुषार देश पांडे नामक एक और खतरनाक हथियार भी अब शामिल हो चुका है, जिसका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली चेन्नई का विध्वंस कर सकती है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। हार कर जीतने वाले को ना ही बाजीगर कहते हैं और ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स करते हैं। वास्तव में हारी हुई बाजी जीतने वाले को MS धोनी कहते हैं। जी हाँ, हमारे देश के लिए और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग के लिए भी ये कारनामा उन्होंने अनेकों बार किया है। जब कभी भी धोनी की टीम संकट में होती है तब धोनी संकट मोचन बनकर अपनी टीम की नैया को पार लगाते हैं। मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि इस IPL में भी ऐसा कुछ होने वाला है। लगभग सभी टीमें अपने 8-8 मैच खेल चुकी है, यानी कि इस IPL का अपना आधा-आधा मैच खेल चुके हैं। अब यहां से पॉइंट्स टेबल में एक बहुत ही बड़ा भयंकर सा भूचाल आने वाला है और ये भूचाल आपके पैरों तले जमीन खिसका सकता है। इस भूचाल को लाने में चेन्नई सुपर किंग की टीम का एक अहम रोल होने वाला है, जिसकी शुरुआत हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतकर हो चुका है। जी हां, अपने हार की रथ यात्रा को धोनी के धुरंधरों ने अब समाप्त कर लिया है और दिल्ली के खिलाफ एक और शानदार जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे। अपने पिछले मैच में सनराइजर्स के खिलाफ चेन्नई के किसी एक भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था। सभी बल्लेबाजों ने एकजुट होकर थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन किया था, जिसकी मदद से चेन्नई की टीम ने स्कोर बोर्ड पे एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था और दिल्ली के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ कारनामा आपको देखने को मिल सकता है चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों के द्वारा। इस मैच में भी सैम करन और फैबुलस डु प्लेसिस आपको आक्रमण करते हुए दिखाई देंगे, ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद वॉटसन दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर वॉट लगाएंगे। इस मैच में माही का महातांडव भी आपको देखने को मिल सकता है। चेन्नई के लिए इनके गेंदबाजों का फॉर्म में ना होना इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ था, लेकिन सनराइजर्स जैसी टीम को 147 रनों पर रोककर चेन्नई ने यह दिखा दिया कि इनकी गेंदबाजी में अब भी पहले जैसा दमखम है। पिछले मैच में चेन्नई की टीम ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और इस मैच में भी इनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 22 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 7 बार दिल्ली ने अपना दम दिखाया है, वहीं 15 बार धोनी के धुरंधरों ने इन्हें धूल चटाया है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 3 मैच
खेले गए थे और तीनों ही बार चेन्नई सुपर किंग ने अपना परचम लहराया था। वहीं इस साल इन दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला जा चुका है और वो मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंस एक्स फैक्टर्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पर्पल कैप धारी रबाड़ा चेन्नई का कबाड़ा बनाते हुए एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सूरवीर करण अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही दिल्ली का दिल दहलाते हुए एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये दोनों खिलाड़ी मेरी फैंटेसी पावर 11 की टीम के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी हैं। आप भी अपनी टीम फैंटेसी पावर 11 पर बनाकर आईफोन 11 के साथ साथ ढेर सारे रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंस कौन होगा दमदार? क्या एक बार फिर से अपना दम दिखाएगा दिल्ली का यंगस्टर या फिर अपने जीत का परचम लहराएगा चेन्नई का महाबली कप्तान? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एनालिसिस के अनुसार चेन्नई का महाबली कप्तान इस मैच में अपनी जीत का परचम लहरा सकता है और पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला सकता है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग मेरे अनुसार ये मैच जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ और होने वाला है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है। हमारे साथ मिलकर आईपीएल का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।